नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। शुरुआत करते हैं यूपी में। जब से योगी सरकार बनी है तभी से सरकारी भवन से लेकर बसों और टोल प्लाजा तक का भगवाकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में अब मिर्जापुर के परिवहन विभाग कार्यालय को भी भगवा रंग में रंगा जा रहा है। भगवा रंग में रंगा उत्तर प्रदेश। बसों टोल प्लाजा के बाद परिवहन विभाग भी भगवा। मिर्जापुर का परिवहन विभाग भगवे रंग में रंगा। विभागीय अधिकारी इसे महज एक कलर बता रहे हैं। सूबे में योगी सरकार के आने के बाद से पूरे प्रदेश में भगवाकरण बड़ी तेजी से हो रहा। फिर चाहे वो परिवहन विभाग की बसें हो, हज हाउस हो या फिर अभी हाल ही में भगवा रंग में रंगा टोल प्लाजा। इसी कड़ी में अब मिर्जापुर में बरौंधा कछार के पास बने परिवहन विभाग कार्यालय को भगवा रंग में रंगने का काम इन दिनों तेजी से चल रहा। कार्यालय के दोनों मेन गेटों को भगवा रंग में रंगने के बाद मुख्य बिल्डिंग के 30% भाग को भगवा कलर से रंगा जा चुका है। बाकी के लिए काम चल रहा है। मजदूरों को काम पर लगाया गया है। भगवा कलर इसको नहीं कहा जा सकता है। ये तो ये है कि बजट हमारे सौंदर्यीकरण के लिए और कार्यालयों के साफ सफाई और इसके लिए प्राप्त हुआ था, जिसके तहत हमको कार्यालय की साफ सफाई और पेंटिंग का काम कराना था। तो जो निर्माण एजेंसी है, जो कार्यदायी संस्था है, उनके द्वारा कुछ विकल्प हमारे सामने रखे गए और जो हम सभी लोगों को देखने में अच्छा लगा उसी को कराया गया है और इसमें कोई अदरवाइज किसी कलर विशेष के चयन की कोई ऐसी बात नहीं। वही विभागीय अधिकारी इसे महज एक कलर बताते हुए कहते हैं कि कई कलर उन्हें दिए गए थे जिनमें से यही कलर सभी को पसंद आया, इसलिए इस कलर को चुना गया है। भगवा रंग जैसी कोई बात नहीं। बता दें कि ये विभाग इन दिनों भले ही जिले में ओवरलोड वाहन के संचालन पर रोक नहीं लगा पा रहा, मगर प्रदेश के सीएम को खुश करने के लिए भगवाकरण की तरकीब निकाल ली है। तो वही अधिकारी इसे सिर्फ एक कलर बताते हुए अपनी सफाई दे रहे। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में अब और क्या क्या भगवे रंग में रंगा दिखेगा। मिर्जापुर से समाचार प्लस के लिए जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट।